किसी खुदा ना करे कि मैं ऐसा सोचूं। तो फिर क्यों आए हो? अब तक बेटे मोहसिन के केस का पता ही नहीं चला है, वो पूछने आया हूं मुंशी। भाई यहाँ केस चलते कहाँ है, सोते ही रहते हैं। सोते रहते? केस है कि आदमी है? क्या खबर लाए? अंकल शेर अली की जमानत हो गई है और डॉक्टर मोहसिन के कत्ल केस में आपके गिरफ्तारी के वारंट इशू हो गए। अच्छा तो फिर? अंकल मैं गलत खबर नहीं लाता हूँ, मैं बिल्कुल सही खबर लाया हूँ। तो फिर तुम खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अब्बू की आना आग है और तुम्हारी जिद पानी। आग में झुलसने और पानी में डूबने का खतरा है मुझे। जिंदगी की खातिर आपको एक खतरे से तो गुजरना ही है। शेर अली के बाहर आने का कहती हो तो मेरा दिल दुखता है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि मोहसिन भी तो अब नहीं लौट सकता। अगर 10 लाख रुपए 3 दिन के अंदर अंदर न मिले तो तुम्हें सज्जाद की लाश मिलेगी। क्या? और हाँ, सज्जाद ने जो मुकदमे दायर किए हैं, अगर वो उनसे दस्तबरदार नहीं हुआ तो तुम उनके कफन का बंदोबस्त कर लेना। कहाँ है मेरा सज्जाद? हमें नहीं मालूम। चलो। कर दिया जालिमों ने मेरे साथ, अब मैं किसे बुलाऊं, किसे मदद मांगूं? अल्लाह मियां मैं क्या करूं? मेरा बेटा। सर खान साहब, डॉक्टर मोहसिन के कत्ल के इल्जाम में मेरे पास आपकी गिरफ्तारी के वारंट है, आपको मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, बिस्मिल्ला, आप अपनी ड्यूटी पूरी करें, हम अपना काम करेंगे। लीजिए। कादिर जी। अंकल मैं समझ गया। चलिए। हेलो बीबी जी, साहब घर पे नहीं है क्या? नहीं। कहाँ है? मैंने ऑफिस में फोन किया था, वहाँ पे नहीं है। जेल में है बाबा इस वक्त। जेल में? मजाक क्यों करती हैं बीबी जी? ये मजाक की बात है बीबी जी? नसीर खान और गिरफ्तार नहीं हो सकते? तो फिर सूरज मशरक के बजाय मगरब से तुलू होगा बीबी जी? समझो कि सूरज मगरब से तुलू हो चुका है। मुझे यकीन नहीं आता है बीबी जी, सच सच बताए। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या है, मैं बाबा के मामले में मजाक या झूठ से काम लूंगी? वो कानून से बालातर तो नहीं? नहीं, मगर ये कैसे हो गया? बस हो गया है मुंशी जी। बीबी जी फिर आप कोशिश करें ना। कोशिश में है हाँ मुंशी जी, मगर तुम एक बात बताओ। जी बीबी जी फरमाए। देखो सच सच बताओ। 16 सच होगा बीबी जी, आप पूछे तो। किसी नसीम नामी औरत को जानते हो तुम? वो क्या है कि बीबी जी वो ये नाम सुनकर परेशान क्यों हो गए तुम? बीबी जी आप इस बात को छोड़ दे। इसका मतलब है तुम भी उस औरत को जानते हो। नसीम वाकई चचा जहीर खान की बीवी है ना मुंशी जी? बीबी जी ये समझो कि मैं ये सब नहीं जानता। इसका मतलब है तुम्हें सब कुछ पता है मगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते। कोई बात नहीं, ठीक है।
कहाँ जा रहे हो चाचा? भाई साहब शहर की तरफ जा रहा हूँ। खैरियत? अरे वो मोहसिन के मुकदमे का कुछ पता ही चल रहा है, सुना वो सज्जाद शेर अली की जमानत ही करता फिर रहा है। चाचा मैं बताता हूँ आपको। तुम क्या बताओ? आओ तो सही चाचा, मैं बताता हूँ जरा दिल लगा के आओ। हाँ अब बताओ क्या बात। चाचा आप एक गलत फहमी में फंस गए। गलत फहमी? कौन सी गलत? चाचा मैं ऊपर वाले की कसम खाकर कहता हूँ सब कुछ सही सही कहूंगा। अरे कहो भाई, मुझे यकीन है तुम पर। चाचा डॉक्टर साहब को शेर अली ने कत्ल नहीं किया। तो किसने किया फिर? ईमान से चाचा, डॉक्टर साहब को शेर अली ने नहीं, किसी और ने कत्ल किया है। देखो तू ज्यादा कसमें खाता है ना, वो अक्सर झूठी बोलता है। मैं? वो भी डॉक्टर मोहसिन के बारे में झूठ बोलूंगा? अरे बाबा तो किसने कत्ल किया है? डॉक्टर मोहसिन को नसीर खान ने कत्ल करवाया था। डॉक्टर साहब ने लोगों को नशे का आदि बनाने से इनकार कर दिया था और नसीर खान ने धमकी दी थी कि वो लोगों को उसके मुतालिक बताएगा। असल में नसीर खान ने एक तीर से दो शिकार खेले, डॉक्टर साहब को मरवा कर शेर अली को पकड़वा दिया है ताकि शेर अली को सजा हो जाए और नसीर खान उसकी मंगेतर यानी चाचा रशीद की बेटी से आसानी से शादी कर सके। ओह अच्छा, तो मुंशी और नसीर खान ने शेर अली और मोहसिन के इख्तलाफात का नाजायज फायदा उठाया। जी चाचा, सज्जाद साहब ने नसीर खान के कारिंदे से कोर्ट में बयान भी दिलवा दिया है कि कत्ल नसीर खान ने करवाया है। इसी वजह से चाचा उसने अपने खर्च पर मोहसिन के कत्ल का मुकदमा नसीर खान के खिलाफ दायर कर दिया है। बेटा मुनव्वर, मैं सज्जाद से मिलना चाहता हूँ। चाचा सज्जाद साहब ने मुझे फोन नंबर दिया है, मैं पूछ लूंगा केस का क्या बात। ठीक है तो तुम ऐसा करना, बाद में मुझे बताना, फिर मिलके समझेंगे कि क्या करना है। कहाँ जाकर फरियाद करूं, कब शेर अली की जान छूटेगी? अल्लाह जिंदगी दे सजाद को, मुफ्त में जमानत करवा दी तो भेड़िए ने दूसरा मुकदमा दायर कर दिया। शेर अली अलग जालिमों के पंजे में और मैं अलग दर बदर की ठोकरें खाते फिर रही हूँ। ये ड्राइवर भी अब तक पता नहीं क्यों नहीं आया, आ जाता तो कह देती कि पिकअप भेज दे तो शेर अली के छुटकारे का बंदोबस्त करूँ। सारा बहन मैं आया। क्यों आए हो भाई? माफी मांगी। किस बात की? याद है बहन जब तू मेरे पास आई थी शेर अली को माफ करने के लिए और मैंने गुस्से में तुझे लौटा दिया था। तो अब क्यों आए हो? उस गलती की माफी मांग। उस वक्त मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। तो अब रोशनी आ गई है तुम्हारी आंखों में? तभी तो आया हूँ बहन। अब मैं कोर्ट में जाकर बयान दूंगा कि शेर अली बेकसूर है। जब मैंने मिन्नतें की, कसमें उठाई कि भाई शेर अली खरा जरूर है मगर खोटा नहीं, तब तुझे यकीन क्यों नहीं आया? कहा ना बहन, जज्बात में ये बात समझ में ही आई। अगर हम लोग जज्बात के बजाय ठंडे दिल से सोच कर कदम उठाए तो ये दिन देखने ही ना पड़ते। इसीलिए तो आपके दर पे दस्तक दिए बहन, माफ कर दो मुझे। नवाज भाई, माफी दुखों की तलाफी नहीं होती। खाया हुआ निवाला वापस तो नहीं आ सकता। पर निवाला खाने से पहले देखना तो चाहिए या नहीं? कभी कभी आदमी बगैर देखे निवाला मुंह में डाल लेता है, लेकिन जब वो निवाला दर्द का सबब बनता है तो उसे पछतावा ही रह जाता है। और पछतावे का कोई इलाज नहीं होता भाई,
बहन, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर। ये क्या कर रहे हो भाई, मुझे शर्मिंदा मत करो। जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मेरे साथ मेरा अल्लाह है। बहन, तुम जब चाहो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और बयान दूंगा कि शेर अली मुजरिम नहीं, मुजरिम कोई और है। भाई, जिस मुजरिम की तुम बात कर रहे हो ना, उसने मुझे खून के आंसू रुलाए हैं। अब वो खुद खून के आंसू रोएगा बहन, मैं तुम्हारे साथ हूं। शुक्रिया भाई। अच्छा बहन, अब मैं चलता हूँ, खुदा। पानी ला के देती हूँ, अल्लाह खैर करेगा, तू परेशान मत हो, परेशान मत हो, मैं पानी ला के देती हूँ, पानी पी के तू सो जाना। अच्छा, मैं तो खुद हैरान हो गया हूँ कि कहाँ गया ये वकील, इसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया है? तुमने कोशिश ही नहीं की कादिर। पूरा शहर छान मारा है मैंने और तुम कह रही हो कि मैंने कोशिश नहीं की, बदएतमादी की भी हद होती है। तो फिर आखिर कहां गया वो? मुझे क्या पता, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने अगवा किया हो उसे। मगर अगवा करने वाला भी तो कोई आदमी ही होगा। मानता हूँ, लेकिन अगवा करने वालों ने उसे किसी रोड पे तो नहीं बैठा के रखा होगा, जाहिर है किसी अनजान जगह पे रखा होगा। नहीं कादिर, तुम्हारे दिल में कुछ और ज़बान पर कुछ और है। मशकूक आदमी हमेशा दूसरों पे शक करता है। और अगर वो खुद मशकूक हो तो? तुम्हें जितनी फिक्र सज्जाद की है उतनी अंकल की भी नहीं है, वजह पूछ सकता हूँ? तुम होते कौन हो मुझसे वजह पूछने वाले? मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारा कजन हूँ। इस घर में तुम्हारी हैसियत किसी मुलाजिम से ज्यादा नहीं। कभी कभी मुलाजिम भी मालिक बन जाता है घर का और सैर करने लगता है आसमानों की, ख्वाबों ही ख्वाबों में। ये तो वक्त ही बताएगा कि ख्वाब कौन देख रहा है। चलता हूं।